हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च का अचार। इसके लिए सबसे पहले हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके आगे जो डंठल होती है वो निकाल देनी है, क्योंकि सबसे पहले वो ख़राब हो जाती है। और वॉश करने के बाद इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है, और जब ये सूख जाए तो अब हमें इसे इसके बीज से कट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। गाइस, इसको फिर हमने इस तरीके से कट करना है बीज से, और चाहे तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं क्योंकि मिर्च थोड़ी सी तीखी होती है। और इस तरीके से इसे कट करेंगे। अगर मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी है तो हम बीच से इसे ऐसे भी काट सकते हैं। इसको इस तरीके से हमें बनाना है। इस तरीके से हम सारी मिर्ची काट देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और बीच से कट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी मिर्च है। अब हम थोड़ी सौंफ लेंगे, थोड़ी बारीक वाली राई, और ये थोड़ी सी मैंने अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसलिए थोड़ी मोटी वाली राई ली है। और बाकी मेथी दाना मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और ये थोड़े से अगर हम धूप में सुखा सकते हैं तो हम इसे ड्राई रोस्ट नहीं करते, लेकिन धूप प्रॉपर जगह हम सुखा नहीं पाते हैं तो इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसका थोड़ा मॉइस्चर निकल जाएगा। अब हम इसे थोड़ा अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ मिनट के लिए, 3-4 मिनट। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे। देखिए, अब ये रोस्ट हो रहा है। देखिए गाइस, मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, कुछ देर ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा दरदरा पीसेंगे। हेलो गाइस, अब हम थोड़ी सी इसमें कलौंजी भी भून लेंगे, इसमें भी थोड़ा मॉइस्चर होगा तो निकल जाएगा। तो ये थोड़ी सी कलौंजी है जिसे हम भून लेंगे हल्का सा, इसे भी रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल का, सरसों का तेल गरम कर लेंगे क्योंकि अभी मैं जल्दी से गर्म कर रही हूँ कि इसे थोड़ा ठंडा भी करना है। उसके बाद जो ये है, जो हमने रोस्ट किया था, ये हमारा ठंडा हो गया है, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। गाइस, हमारे मसाले थोड़े दरदरे पीस दिए हैं और अब हम इसमें मिक्स कर देंगे, इसे इस तरीके से डाल देंगे। रोस्ट की हुई कलौंजी भी डाल देंगे इसमें, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, नमक। गाइस, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इससे धुआं आ रहा है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमने इस मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे मिर्च में, और अभी ये अच्छे से इसमें मिर्च के साथ चिपकेगा नहीं, और जैसे ही हम इसमें तेल डालेंगे उसके साथ लथपथ जाएगा। गाइस, एक बात का ध्यान रखना है, इसमें हमें गीला कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जो हमें चाकू लेना है वो भी सूखा हुआ चाहिए, बर्तन सूखे होने चाहिए, और बाकी ये चम्मच हमने यूज़ की है तो ये भी सूखी रहनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये ज़्यादा दिन तक हम इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। और जब बाकी कुछ लोग जो अचार के शीशी के अंदर ही चम्मच छोड़ देते हैं तो इस तरीके से भी ना करें, और जब भी अचार निकालें तो सूखी चम्मच के साथ ही निकालें। गाइस, हमारा तेल ठंडा हो गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। ये मैंने हींग डाल दिया, इसमें डाल देंगे अच्छे से 2-3 चम्मच। इसमें नींबू का रस डाल देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए, सारा अच्छे से लथपथ जाएगा। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से देखिए अचार हमारा रेडी है। अब हम इसे डब्बे में डाल देंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम इसको स्टोर करने के लिए इसे एक कांच के शीशे में डाल देंगे। और ये ध्यान रखना कि जो कांच के शीशी लेंगे वो सूखी हुई होनी चाहिए। गाइस, अब ये अचार रेडी है। अब हम इसे कभी भी गर्मा गर्म पराठे या फिर छोले भटूरे या किसी भी चीज़ के साथ आसानी से आप खा सकते हैं, और ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखा जा सकता है क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं है। तो इस तरीके से आप भी झटपट अचार बना सकते हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच गाइज़।